अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त राबिया तसव्वुर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्लॉग दिखाने वाली हूँ। और आज हम कहीं जा रहे हैं, तो आज है सरप्राइज़, तो किसी पार्टी में जा रहे हैं हम। तो मैं अभी नहा के तैयारी कर रही हूँ कि अभी बाल आयरन करने हैं, तैयार होना है। तो ये मेरा अभी का लुक है, और जब मैं तैयार हो जाऊँगी तो मैं आपको अपने बाद का लुक दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बहुत ही स्पेशल पार्टी है आज माशाल्लाह से, तो उसी की तैयारी चल रही है। मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ कि आज मेरे कौन से कपड़े निकाले हैं वहाँ जाने के लिए, तैयार होने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मेरा ड्रेस फ्रॉक। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा घेर है, पिच कलर की फ्रॉक है मेरी, बहुत खूबसूरत है। आज मैं पहन रही हूँ ये, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रेस में आपको मैं कैसी लगी, और मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। ये इसकी स्लिप सारा फैला हुआ है, कमरा जाने के चक्कर में आज कुछ भी ना कर पाई। मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। हाँ जी, ये है मेरा ड्रेस जो मैं आपको दिखाई दे रही, ये मैंने पहन लिया ड्रेस। अब इसके बाद करने जा रही हूँ मेकअप, फिर हेयर स्टाइल बनाऊँगी, फिर आपसे मिलेंगे पार्टी में, मेरी मुलाकात होगी, और पार्टी बहुत स्पेशल है। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक करेगा। ठीक है, तो मेरा ड्रेस जरूर बताइएगा, एक मिनट आपको घूम के दिखाती हूँ। ये देखिए, और बाकी का सारा लुक इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी मेकअप के बाद भी। ये हो गया मेरा फाइनल लुक, बताएं आपको कैसा लगा। मैं रोशनी मागन है, लाइव चली गई, मुझे लग रही थी गर्मी, पसीना आ रहे थे। ये मेरा आइस मेकअप, ये इयर रिंग्स सेट इसके साथ पहना है मैंने, और ये मेरा हेयर स्टाइल। ठीक है, मैं आपको होती है कि फारूक केरड़ का हर प्रोग्राम, क्योंकि इनके फैशन शो बेशुमार होते हैं, तो ये हलीम की दावत हर साल करते हैं। तो आप लोग आए माशाल्लाह, आज काफ़ी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दीगर ग्रुप के लोग, तमाम लोग आए हुए हैं, एक्टर भी होंगे, डायरेक्टर भी शायद। तो हम आप लोगों का बड़े तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और फारूक केरड़ साहब को मैं अभी बोलता हूँ कि वो भी ज़रा कुछ बताएं। तो बीमारी में होते हुए भी पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किसी भी तोहफे से कम नहीं है। आज हमारे लिए खुशी का सबसे बड़ा अलिया ये है कि हम इस वक्त आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो मुल्क आजाद नहीं है उन मुल्कों का क्या हाल है। तो प्लीज एक मिनट की खामोशी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, उनकी वफात का दिन है और आज मैं उनकी वफात के दिन यहाँ पर सब मौजूद हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं थोड़ी सी खामोशी चाहूंगी सबकी, प्लीज सीट से खड़े हो
ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ये इस वक्त हमारा सबका फर्ज बनता है, तो प्लीज एक मिनट की काउंट कीजिए। अरे भाई इसमें ले आओ कुछ अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ पार्टी से। तो आपने आज मेरी पार्टी देखी होगी, तो वहाँ पे सारे बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर, जियो के, ARY के, हम चैनल के, आसमाइश ड्रामे के, स्टे ड्रामे के सब राइटर्स वगैरह आए हुए थे। तो एक मीडिया पार्टी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। मैंने वहाँ के क्लिप्स बनाए, आपको वीडियोस में ब्लॉग में मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मिला मुझे एक गिफ्ट, तो वो मैं गिफ्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। ये दिया उन लोगों ने हमें खाना खाते हुए, हलीम दावत हलीम था आज वहाँ पर ना, दावत हलीम में गए थे। तो कायज़े आज़म की योम शहादत का दिन भी था आज, तो उसके लिए भी वहाँ पे स्पेशली मनाया गया, ठीक है। ये देखें तो ये हो गया, और एक ये दिया गया, इसके अंदर देखते हैं, ये देखें तो मिला हमें ये, ठीक है। अच्छी ट्रे है, प्यारी है, तो दो कप इसमें चाय रख सकते हैं, एक कप चाय रख लो या बिस्किट वगैरह पेश कर लो, तो ट्रे है ये, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आज मैं गई थी पार्टी में, उन लोगों की तरफ से इनविटेशन आया था मुझे कि आप आओ, और देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है कि अब मेरे नसीब में आगे क्या है। तो क्या मैं आगे अब मीडिया पे काम करती हूँ या नहीं करती, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या लक लगेगा मेरा। और वैसे वो लोग मुझे बुला रहे हैं, तो अब देखो क्या होता है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए एक्टिंग के लिए। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे, आप लोग को ज़्यादा पता होगा कि क्या मैं एक्टिंग के लिए परफेक्ट हूँ, मैं एक्टिंग कर सकूँगी सीरियल में या नहीं कर सकती। तो वो लोग सीरियल में एक्टिंग भी कह रहे हैं, देखते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से आज मेरी मुलाकात की। आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी उनके साथ मेरी, और पिक्स मिल जाएंगी, तो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ब्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है।